नमस्कार मित्रों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीटेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2011 से लेकर 2023 तक के, उनको हम क्या करवा रहे थे बेटा, सॉल्व करवा रहे थे। तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले आप हमारे ऑनलाइन स्टडी विद डीके का जो हमारा लर्निंग ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रेटिंग देना ना भूलें, रेटिंग जरूर देना है। इस पर आपको क्या मिलेगी, आपको ईबीएस की 500 प्रश्नों की जो एमसीक्यू है आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, जिसमें इमेज के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से थ्योरी को क्या करवा दिया गया है, कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको परचेस करना है। कितने रुपए में करना है बेटा, 99 रुपए में परचेस करना है। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी ऐप में जाकर आप एक फ्री का फोल्डर है, फ्री पीडीएफ नाम का एक फोल्डर है, जहां पर आप ईबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप लर्निंग ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड जरूर कर लेना है। ठीक है बेटा, चलो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है 603 × 28 बराबर 63 × 4 × ….. तक रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। सरल क्वेश्चन है, देखिएगा 603 × क्या करेंगे 28 बराबर 63 × 4, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे। ये बस कुछ नहीं करना है, काट पीटना है। 4 से काटेंगे 28 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 से काटेंगे 63 को, कितनी बार जाएगा बेटा 9 बार। और 9 से काटेंगे तो 9 × 6 = 54, 5 × 4 = 6, कितना बचेगा यहां पर, कितना बचेगा 9 × 6 = 54, कितना बचेगा यहाँ पर 6, तो 9 × 7 = 63, कितना आ जाएगा बेटा 67 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, काटना पीटना है, कैलकुलेशन, इतना तो बेटा कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन ज्यादा लंबी रहेगी तो आपके प्रश्न छूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो कोशिश ये करना है कि आप कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वे गुणज तथा सबसे बड़े सार्वे गुणन खंड। देखो यहां पर क्या है, गुणज है मतलब यहां पर एलसीएम निकालना है और यहां का क्या निकालना है बेटा एचसीएफ। कल ही बताया था मैंने एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, तो किसका निकालना था बेटा 30, 36 और 42 का निकालेंगे। 2 का भाग लगाएंगे 15 बार जाएगा बेटा, जी कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा, जी जाएगा 21 बार। फिर से लगाएंगे 3 का, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। अब देखिएगा यहां पर, अब देखो 5, 6 और 7 ये कोई भी ये संख्या से कट रही है क्या, नहीं कट रही है ना, तो डायरेक्ट क्या करो, तो गुणा 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 × 6 = 180 और 180 × कितना कर देंगे 7, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 180 × 7, 0 का 0, 8 × 7 = 56, 5 और 7, 5, 12 कितना आ जाएगा 1260। तो 1260 क्या आ गया हमारा बेटा, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णता विभाजित कर दे। तो एक तो 2 है हमारी, 2 पूर्णता विभाजित कर रही, एक कौन कर रही बेटा 3 पूर्णता विभाजित कर रही। क्या 5, 6 और 7 को कोई संख्या पूर्णता विभाजित कर रही है, बोलोगे सर नहीं कर रही है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा हमारा क्या बेटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 6, वो कह रहा है इनका गुणनफल बताना है तो बता दीजिएगा 1260 × कितना करना है, 1260 × कितना करना है 6, 0, 6 × 36 = 6, 3, 6 × 2 = 12, 3 = 15 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही हमारा, ऑप्शन नंबर डी 7560 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो वो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। बेटा 7 के क्या बताना है, गुणज होना चाहिए और किसके फैक्टर होना चाहिए वो 84 के। तो सबसे पहले हम 7 को देखते हैं, 7 × 7 = 14, 7 × 2 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42। इसके आगे नहीं होंगे क्योंकि 42 × 2 कितना होता है 84। अब 42 के बाद कोई भी संख्या आएगी तो वो 84 से नहीं कटेगी और 84 स्वयं 84 से कटेगा, तो एक फैक्टर तो स्वयं 84 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गुणनखंडों का योग बताना है, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है जो किसके गुणज हैं, 7 के गुणज हैं। देखो
क्या सात का भाग जाएगा चौरासी में? बोलोगे सर हाँ जाएगा। चौदह का भाग चौरासी में जा रहा? बोलोगे हाँ सर जा रहा है। इक्कीस का भाग चौरासी में जा रहा है? जा रहा है। अट्ठाईस का भाग जा रहा है? बोलो जा रहा है। पैंतीस का भाग चौरासी में जा रहा है? बोलोगे नहीं जा रहा है। तो मतलब जे वाली तो, और बयालीस का जा रहा है? बोलोगे हाँ सर जा रहा है। तो कौन कौन सी संख्या हो गई जो चौरासी की क्या आएंगी फैक्टर है? तो एक तो हो गई कौन बेटा अपनी, एक हो गई, एक एक हो जाएगी कौन बेटा, एक तो हो गई नहीं, क्यों? क्योंकि सात का क्या नहीं है, गुणज नहीं है एक, तो हमारी सबसे छोटी कौन होगी? सात। फिर हो जाएगी चौदह, फिर हो जाएगी इक्कीस, फिर हो जाएगी अट्ठाईस, फिर हो जाएगी कौन सी बेटा बयालीस, और फिर हो जाएगी स्वयं चौरासी। वो कह रहे हैं सबका योग बताना है। क्या बताना है? योग। तो जोड़ दो चौरासी बयालीस अट्ठाईस इक्कीस चौदह और सात का। तो देखो आठ और दो दस, देखिएगा आठ और दो दस, दस और चार चौदह, चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह और चार कितना हो गया उन्नीस, उन्नीस और सात छब्बीस, छब्बीस की छह, हासिल कितना आएगी अब की दो। तो आठ और दो दस, दस और चार चौदह, चौदह और दो सोलह, सोलह दो अठारह, अठारह और एक उन्नीस। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? एक सौ छियानवे है। देखो इसमें एकाई का अंक कितना आ गया था बेटा, छह आ गया था। तो ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना है अपन को, पूरा करना है, एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए। तो ऑप्शन पर नजर देखना है कि कितने ऑप्शन है जिसमें एकाई का अंक कितना है, सिर्फ छह है। तो एक ही ऑप्शन था क्या हमारा? सी ऑप्शन था। पेपर में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर आप इकाई के अंक से आंसर निकाल रहे हो तो आप वहां पर अपना दिमाग चला लेना है, ठीक है बेटा। और अगर नहीं चलाना है तो आप कर लेना है, सब प्रकार से कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आज के प्रश्न में रहेंगे बेटा आपके 20 प्रश्न रहेंगे, है ना। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर लाइक जरूर कर देना है ना। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर एक लिखा, एक यह लिखा था कि स्केल एक सेंटीमीटर। बेटा एक सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा इसमें? 110 मीटर दी गई। कितनी दी गई है? 110 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 110। और वास्तव में होते क्या, एक सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, एक मीटर बराबर होता है कितना बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों की वास्तविक दूरी बताना है। और वास्तविक दूरी किसमें दी गई? ऑप्शन में चेक करो, किलोमीटर में दी गई, किलोमीटर में। एक मीटर में कितने होते हैं? 1000। एक किलोमीटर में कितने होते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बस कुछ नहीं है, एक सेंटीमीटर बराबर 110, तो हमें निकालना कितना, 9.7 सेंटीमीटर। बस गुणा कर लो, 110 में कितने का गुणा कर लेंगे, 9.7 का। अब देखो दशमलव को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, संतानवे का संतानवे का गुणा करो जीरो में, तो कितना आ जाएगा बेटा, जीरो। संतानवे का गुणा करो एक में, संतानवे का एकम संतानवे, तो संतानवे की आ जाएगी सात, हासिल कितनी बचेगी, नौ। संतानवे एकम संतानवे, और संतानवे में कितना जोड़ देना है, नौ, तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 106 हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं कर दी, आ जा। कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, तो जी हो जाए। और कितने अंक बाद दशमलव लगा था, बोलोगे सर एक अंक बाद, तो हमारा आ जाएगा 1067 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1067 मीटर। वो पूछ क्या रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो एक मीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते बेटा, 1000 मीटर होते हैं। तो यहां पर हम भाग लगाएंगे कितने का, 1000 का, तो 1.067 किलोमीटर आ जाएगा, 1.67 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नगर कोयल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है और 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 3 जनवरी 2015 को 4:45 पर 45 मिनट बजे नागरहोल पहुंच जाती है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है, तो औसत चाल बताना है। क्या बताना है, औसत चाल। पहले समय देख लेते हैं, देखो समय पूरा कितना, 24 घंटे बीत चुके हैं। कितने घंटे बीत चुके हैं, 24, क्योंकि 2 जनवरी से चला था, 3 जनवरी को पहुंचा है। जब चला था तो कितने बजे थे बेटा, पहले ये ध्यान दो, जब चला था तो कितने बजे थे, 7:45, और पूरी जो यात्रा है वो कितने घंटे की है, 24 घंटे की है। तो इसने कुल मिलाकर, मतलब
मतलब 24 घंटे हो रहे ना, तो कुल मिलाकर इसने कितने घंटे यात्रा की होगी। तो देखो अगर हम 7 बजे से लेकर यहां तक 7 बजे आ जाते तो कितने घंटे हो जाते बेटा, 24 घंटे हो जाते। कब, जब यहां पर 7 होती है, लेकिन 7 नहीं है, कितने है, 4। कितने कम है, 3 कम है, तो 24 में से 3 कम कर दो तो यात्रा कितने घंटे की हो जाएगी मेरे भाई, तो यात्रा हो जाएगी हमारी 21 घंटे की। 21 घंटे की हमारी क्या हो जाएगी, यात्रा हो जाएगी। वो पूछ रहा है चाल बता दो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारी, दूरी हमारी क्या है 1140 है, और समय ले गया कितना, 21। काट देंगे किससे, काट देंगे 3 से, काटेंगे 30 आते 21, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 2 बचेंगे 3 8 24, 380 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 5 35, कितना बचेगा यहाँ पर 3, 7 4 28, 54.5 कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बोलोगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। देखो वो कह रहा था 2 तारीख को निकलता है और 3 तारीख को पहुंचता है, सुबह हो या शाम को, 7:45 से स्टार्ट करता है और 4:45 तक पहुंचता है। मतलब आज स्टार्ट की और कल पहुंचा, तो कुल मिलाकर कितने घंटे बीत गए, 21 घंटे बीत गए, और किलोमीटर कितने कंप्लीट कर ली, 1140 किलोमीटर कर ली। तो उसकी चाल बतानी थी, चाल तो चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्लियर है। चलो प्रश्न क्या कह रहा है अगला, अगला प्रश्न कह रहा है -1 + 2 -3 + 4 - 5 + -6। तो पहले इन दोनों के जोड़े बनाएंगे, पहले इनको पकड़ो, -1 + 2 क्या होता है बेटा 1, इसको देखेंगे -3 + 4, इनको देखेंगे कितना होगा 1 प्लस का 1, फिर इसको देखेंगे -5 + 6, यहां से भी कितना बनना है 1। मतलब हमें कितने मिल रहा है बेटा, 1 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1 1 मिल रहा है। मतलब दो दो अंकों से कितना अंक बन रहा है बेटा, 1 बन रहा है। यहां पर कितने हैं 1000, कितने हैं 1000, तो 1000 का डायरेक्ट आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। ओके चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है। देखो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा सीटेट में पूछा जाता है, गुणनफलों का योगफल, ठीक है। तो जब हम क्लास करवाएंगे, थ्योरी करवाएंगे, तो उसमें बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को खोलेंगे। तब तक के लिए अपन ऑन इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर 96 के 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 3 2 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 4 8, फिर काटेंगे 2 से 12 बार जाएगा, फिर काटेंगे 2 से 6 बार जाएगा, फिर काटेंगे 2 से 3 बार जाएगा, और फिर काटेंगे 3 से 1 बार जाएगा। अब देखिएगा कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, 2 की पावर कितना आ गया बेटा 5 * 3 की पावर कितना आ गया 1। तो देखो इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 तो होगा 2 की पावर 0 * 2 की पावर 1 * 2 की पावर 2 * 2 की पावर 3 * 2 की पावर 4 * 2 की पावर 5 * 3 की पावर 0 * 3 की पावर 1, ये हो जाएंगे 2 की पावर कुछ भी 0, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 हो हमेशा आंसर कितना आता है 1। गुणनखंड निकालना तो जोड़ दो, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है कितना 32। गुणा 3 की पावर कुछ भी 0 हो तो हमेशा 1 प्लस 3 की पावर 1 हो तो कितना हो जाता है बेटा 3 हो जाता है। अब जोड़ लो, जोड़ेंगे 32 और 8 कितना हो गया 40, और 16 और 4 कितना हो गया 20, तो 40 और 20 कितना हो गया बेटा 40 और 20 60। देखो यहां पर 40 और 20 60, 60 और 3 63, तो 63 तो जो होगा * 3 में 1 जोड़ोगे 4, गुणा कर देंगे 4 3 12 की 2 हासिल 1, 6 4 24 और 1 25, 252। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 62 51 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो देखो पहले 62 51 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, इसका इसका होगा 50,
21 में इसका स्थानीय मान कितना होगा 500, और 5621 में इसमें स्थानीय मान कितना होगा 5000। इन तीनों को जोड़ दो, 5000 में 500 जोड़ दीजिएगा और 50 जोड़ दीजिएगा, आंसर कितना आएगा 0555। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बताइएगा, वो कह रहा है एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा हुआ है। ध्यान रखना बेटा, 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर में, ध्यान रखना 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। वो क्या कह रहा है? एक ही माप की 23 बोतलों में, कितने बोतलों में? 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर है। मैं कहूं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो तो 51 में कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 51 सौ हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो तो 51 लीटर में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 51 लीटर में हो जाएगा बेटा 51000 मिलीलीटर, और 51000 में कितना जोड़ना है अपन को? 750 जोड़ना है। तो कितने लीटर हो जाएगा? 23 बोतलों में, कितने बोतलों में? 23 बोतलों में 51000 प्लस 750 लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 23 बोतलों में? 51750 कितना हो जाएगा? 51750 मिलीलीटर कितना हो जाएगा यहां पर? मिलीलीटर, जी मिलीलीटर में है जो हो जाएगा क्या हमारा? मिलीलीटर हो जाएगा। कितनी बोतलों में? 23 बोतलों में। तो वो पूछ रहा है ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा बताना है, तो 23 में इतना है तो 16 में निकालना था, 16 बोतलों में पहले एक बोतल की निकालना है। देखो पहले एक बोतल की क्षमता निकाल, ऐसे समझ में नहीं आया। एक बोतल बराबर हो जाएगी 51750 बटे में कितना कर दो बेटा? 23 कर दो। अपन को निकाल ली कितनी है? 16 बोतलों की, तो 16 बोतल बराबर आ जाएगा कितना? 51750 बटे में 23 इंटू कितना कर दोगे आप? कितना कर दोगे? 16। कितना कर दोगे? 16। 23 से काट दो, 23 एकम 23। कितना बचेगा यहाँ पर? 5 हो जाएगा 57। 23 दूनी 46, कितना बचेगा यहाँ पर? 11। कितना बचेगा? 11 से हो जाएगा 115। तो 23 एकम 23 115 हो जाएगा, और 23 पंचे कितना होता है? देखिएगा 23 पंचे 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 कितना होता है? 115 होता है। तो कितनी बार जाएगा बेटा? 1100 कितनी बार जाएगा? 1150 बार जाएगा, और 1150 में हम कितने का गुणा कर देंगे? 16 का। तो देखो 0 16 5 80 का शून्य हासिल कितना आ जाएगा? 8। 16 5 80 का शून्य हासिल कितना आ जाएगा? 8। और 16 एकम 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं आ गई इधर? एक मिनट रुकना। 23 एकम 23 कितना बचेगा यहाँ पर अपना? 16 बोतलें हैं ना, हाँ ठीक है। 750 मिलीलीटर 51 ठीक 23 ठीक है। 23 एकम 23 कितना बचेगा अपना यहाँ पर? 23 एकम 23 अच्छा 23 दूनी 46 होता है बेटा, 23 दूनी 46 कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा कितना यहाँ पर? 57। तो 23 दूनी 46 और कितना जाएगा? 23 पंचे 115 तो हो जाएगा हमारा 23 पंचे 115 मतलब कितना आता है? 225 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 16। तो 16 5 80 का शून्य हासिल कितना आ जाएगा? 8। 16 2 32 और 8 कितना हो गया? 40। 40 का शून्य हासिल कितना आ जाएगा? 4। 16 2 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36000 कितना हो जाएगा बेटा? 36000। अब मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर कितना है? 36000 क्या है? मिली लीटर है। क्या बेटा? मिली लीटर है। वो पूछ किस में रहा है? लीटर में। तो 1000 का क्या लगा देंगे हम? भाग लगा देंगे। 1000 का जैसे भाग लगाएंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 36 मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा हमारा? 36 लीटर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 23 का भाग लगाएंगे इसमें तो आ जाएगा 225, और 225 में हम गुणा करेंगे 16 का तो कितना आ जाएगा बेटा? 36000।
और 36,000 में हम कितने का भाग लगाएंगे बेटा, 1,000 का। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये किसमें है, मिली लीटर में, और 1,000 का भाग लगाएंगे तो किसमें आ जाएगा हमारा, लीटर में आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी मानचित्र पर 1/2 की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। देखो 1/2 किलोमीटर की दूरी को भूमि पर कितना बताता है, 200 किलोमीटर, मतलब आधी दूरी बता रहा है 200। देखो अगर हम बात करेंगे 200 किलोमीटर जो है वो बता रहा है आधी दूरी, तो पूरी दूरी कितने बताएगा, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर बराबर हो जाएगा कितना, 1। वो पूछ किसका रहा है, यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो अगर अपन को बताना क्या है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 1/400। वो पूछ किसका रहा है, 1800 किलोमीटर का। 1800 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1/400 गुणा कितना कर देंगे, 1800। काटेंगे पीटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, कितना हो जाएगा, 9/2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा हम करवा भी चुके हैं, 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, है ना। मोटिवेशन कोट्स, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, एक तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा था, जूही ने साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, इन दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा है। वो कह रहा है जूही जो है वो साइकिल से जा रही थी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब वो साइकिल से जा रही थी तो समय क्या लगा, साइकिल से जा रही थी तो समय लगेगा कितना बेटा, समय था हमारा कितना, किलोमीटर कितना था, 16/2 कितना कर देंगे, 15। इसको हमें मीटर में बदलना है तो हमें कितने का गुणा करने का पड़ेगा, सॉरी मिनट में बदलना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 60 का। 15 चौको 60 और 16 चौको 64, कितने मिनट लगेंगे बेटा इसमें, क्योंकि आंसर सब किसमें दिए गए बेटा, मिनट में दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं जी, मिनट में। अब देखिएगा साइकिल के द्वारा, अब हम बात करेंगे स्कूटर के द्वारा जाएंगे, तब स्कूटर के द्वारा दूरी कितनी तय कर रहे थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, कितनी कर रहे थे, 20/2 किसमें, 50 इंटू कितना करना है, 60, 0 से 0, 6 दूनी 12, देखो काटेंगे कितना जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पर, 24 मिनट हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे बेटा, 24 मिनट। अब वो क्या कह रहा है, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार के द्वारा कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 50 किलोमीटर, कितने स्पीड से चल रहे हैं, 60 से, तो इनटू कितना कर देंगे हम, 60, तो 60 से 60 चले गए, कितने मिनट आ जाएंगे, 50 मिनट आ जाएंगे। वो कह रहा है कुल समय बताना है, तो 4 और 4 8, कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है जिसमें 8 8 है, ऑप्शन से तो कम चलेगा नहीं, 6 और 2 8 8 और 5 13, कितना आ जाएगा, 138 मिनट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुछ नहीं था, छोटा क्वेश्चन था, समय पूछा था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1/16 किलोग्राम चीनी से 13/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, किसके बनाना है, 13/4 बटे में क्या करेंगे, 1/16, तो 13/4 × 16/2 कितना कर देंगे, 1 4 चौको 16 और 13 चौको 52, कितने पैकेट बनाए जाएंगे बेटा, 52 पैकेट बनाए जाएंगे, कितने बनाए जाएंगे, 52 पैकेट बनाए जाएंगे। कुछ नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन करा चुके, कल जो आपकी वीडियो आएगी आपको डेली सुबह 9 बजे आ जाना है, आपको कितने बजे, सुबह 9 बजे आपको मैथ की आपको क्लास मिलेगी, रात में 8 बजे
आपको ईबीएस की क्लास मिलेगी और रात के 9 बजे आपको किसकी मिलेगी, बाल विकास की मिलेगी। और जल्दी से जल्द आपके लिए इंग्लिश की और संस्कृत की भी क्लासें प्रारंभ की जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है, और एक अपना टाइम टेबल जरूर बना लें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको हमारी जो हमारी डेली वीडियो आती है वहां से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, सूचना मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैसेज मिल जाएंगे। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 समाप्त कर दी। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताओ। देखो 18:40 से इसने क्या करी, यात्रा प्रारंभ करी और कब तक चली, 22 से लेकर 22 घंटे 20 मिनट तक चली। तो वो पूछ रहा है कुल मिलाकर कितनी यात्रा की होगी, कितने घंटे की। देखो 22:20 में से हम किसको घटा देंगे, 18:40 को घटा देंगे, लेकिन हमने यहां पर देखा कि 20 में से 40 मिनट तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से एक घंटा निकाल लेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते बेटा, 60, और 60 मिनट अगर हम इसको दे दिएंगे तो इसमें 60 मिनट जोड़ देंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, 80, और इसमें से एक घंटा चला जाएगा तो इधर घंटे कितने बचेंगे, 21। तो हम कितने में से घटाएंगे भैया, 21 घंटे में से, 21 घंटे 60 और 20 कितने हो गए, 80 मिनट में से कितने घटाएंगे, 18 और 40, तो 80 में से 40 गए 40 बचेंगे, 21 में से 18 गए 3 बचेंगे, मतलब हमारा आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है, 3 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन दो हमारे सही है इसमें, तो 3 घंटे 40 मिनट, एक ए बी ऑप्शन है और ए बी ऑप्शन है। हमारे जो टाइप राइटर है भाई साहब वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, सस्ता नशा करते हैं वो, चाय का होता ना जो सस्ता नशा वो कर लेते हैं वो। देखो वो कह रहा है निम्नलिखित में से, लिख देता हूं मैं, 7.1 × 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या है। पहला ऑप्शन है 7 × पहला ऑप्शन कह रहा है 7 × 3/9। देखो 7 तो ठीक है, 9 भी ठीक है, क्या 3 के करीब है क्या जी, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा एक क्लियर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 7 × 4/ कितना आ जाएगा, 9। तो देखो 7 तो करीब है ही, 9 तो करीब है, जो 4 के करीब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 10, ऑप्शन इसमें 10 है तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि 9 है, यहां पर ऑप्शन 10 है तो ये तो वैसे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा पास, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दबा के लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है बेटा। देखो 2/3 + 4/ क्या करना है, 5 को जोड़ना है, क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आया, 15, 3 का भाग लगाओ 15 में क्या बढ़ जाएगा, 5, और 5 का गुणा करो 2 में, तो 5 × 2 = 10। देखो एक बार और, 3 का भाग लगाएंगे 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 2 में कितना आ जाएगा, 10, 5 का भाग लगाएंगे 15 में कितना आ जाएगा, 3, और 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 10 और 12 कितना हो गया, 22, तो 22/15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो घनत्व और जेस में टाइपिंग इसमें भी गलत कर दी, उसमें लिख नहीं पाया वो सही से। देखो अगला क्या कह रहा है, 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, किसमें, 25 × 34 × 22 × 15 में नंबर ऑफ जीरो चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो। देखो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए पड़ेंगे, जब भी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने की मैंने कहा कि शून्यकों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, शून्यकों की संख्या, मैंने कहा शून्यकों की संख्या निकालनी, मैंने लिख दिया 2 × 3 कितना होता है 6, इसमें शून्य आ रहा है क्या, नहीं, मैंने लिख दिया 2 × 4 कितना आ गया 8, क्या इसमें शून्य आ रहा है क्या, नहीं, मैंने लिख दिया 5 × 3 इसमें कितने शून्य आ रहे हैं, कोई शून्य आ रहा है क्या, नहीं, मैंने लिख दिया 2 × 5 5 × 2 = 10 कितना आ गया 0,
मतलब हमें किसकी जरूरत है? तो बोलोगे सर दो की भी जरूरत है और पांच की जरूरत है। नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? तो हमें याद रखना पांच और दो का जोड़ा चाहिए ही चाहिए है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 15 × 3 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 15 में तो पांच तो है और यहां पर तीन है, क्या दो है कहीं पर? नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि यहां पर 25 × 4 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 25 को 25 के गुणनखंड कीजिएगा, 25 के करेंगे 5 × 5, 4 के करेंगे 2 × 2, तो यहां पर एक जोड़ा हो गया, एक यहां पर जोड़ा हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? दो। और 25 चौको कितना होता है बेटा? 100, और 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? दो। तो हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए है, तो हमें किसका याद ध्यान रखना है? पांच और दो का जोड़ा चाहिए ही चाहिए है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था देखिएगा, यहां पर हम देखेंगे तो 25, यहां पर देखेंगे 17 × 2 = 34, यहां पर हम करेंगे 11 × 2 = 22, और यहां पर करेंगे 3 × 5 = 15। अब देखो पांच और दो के कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा तो ये हो जाएगा पांच और दो का, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। बोलोगे हाँ सर, ठीक है, और एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये बन गया, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, कितने हो गए? दो। और बन रहा है कहीं पर जोड़ा? और बन रहा है क्या? एक और दो, बस कितने हो जाएंगे? दो। हमारा राइट आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बेटा? दो। अरे एक और था, सॉरी एक और है इसमें, 30 और रह गया जी, है ना 30। इंटू कितना कर देंगे? 30, और 30 क्या होता है? 15 × 30, तो 15 के करेंगे इधर फैक्टर, 15 के देखो 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30, तो 5 इधर आ जाएंगे, और 6 कटता है 3 × 2 से, तो देखो इधर भी एक जोड़ा बन गया, देखो इधर भी एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़े, तो जोड़े कितने आ जाएंगे? 3। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 3। देखो एक्स्ट्रा 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 5 के साथ जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो 5 के साथ जोड़ा नहीं बना, तो नंबर ऑफ जीरो 4 नहीं होंगे। जितने जोड़े होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। जोड़ा हमें देखना है 5 और 2 का। ठीक है, चलिएगा, ये रहा हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। आज के हम 20 प्रश्न लेकर आए थे, तो आज का 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट हमारी संख्या क्या थी? 101 01, पूरी संख्या लिख देता हूं मैं। अब मुझे बताना है कितने अंक बाद दशमलव लगा, तो यहां पर है 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, और यहां पर है 1 और 1 2, कितने अंक बाद है? 3 और 2 कितना है? 5, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा दू, 1 2 3 4 5 कहां पर लग जाएगा? यहां पर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? लग जा, आंसर कितना हो जाएगा? 0.10101, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हमारा चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पर क्या करना है आपको? क्लिक करना है, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है बेटो, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके दोस्त वगैरह जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रिश्तेदार दोस्त वगैरह, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं, सबको क्या कर देना बेटा? शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।